गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही कमाल की होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों इस होम रेमेडी को यूज करोगे तो आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। दोस्तों मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश के सीजन में हमारे बाल जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मौसम में नमी होती है, हवा में नमी होती है और नमी की वजह से हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो नमी होती है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, ये एक चेतावनी है कि अभी संभल जाओ वरना इसका जो नुकसान होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी आपके बाल एक बार झड़ने शुरू हो गए तो अगर केयर नहीं करोगे तो बाल झड़ते ही रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाल बिल्कुल ना झड़ें, आपके बाल मजबूत रहें, घने रहें, मुलायम रहें और उसमें एक प्राकृतिक चमक हो तो इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। होम रेमेडी बहुत ही कमाल की घर की चीज़ों से बननी है, यानी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में ही आसानी से सामान मिल जाएगा। और जो भी सामान प्रोडक्ट यूज करूँगी वो केवल आपके बालों को फ़ायदा ही देगा। तो बहुत ही अच्छी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, उसको मैंने अपने बालों पर अप्लाई भी किया और अप्लाई के बाद आप देख सकते हो मेरे बालों में एक प्राकृतिक चमक भी है और मेरे बाल काफी खुश भी नजर आ रहे हो, मैं भी काफी खुश हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, प्लीज उसे क्लिक कर दो। बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये हेयर पैक कैसे बनाना है। आपको लेना है दही, बेसन और नींबू, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपस में मिला लेना है और 5 मिनट के लिए रख देना है और फिर उसके बाद बालों में अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों अब ये जो हेयर पैक है इसे बालों में अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल खुद झड़ रहे हैं क्योंकि मौसम में नमी और नमी की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो ये हेयर पैक मेरे बालों की ग्रोथ करने में और जो बाल झड़ रहे हैं उसे रोकने में हमारी हेल्प करेगा। तो क्या करेंगे, मांग निकाल कर इस हेयर पैक को अपने हाथों से बालों पर अप्लाई करेंगे और इसे 30 मिनट के लिए हम बालों को अप्लाई करेंगे। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और आप चाहो तो हल्का शैम्पू भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, दही, बेसन और नींबू, चलो हम जान लेते हैं कि कैसे ये हमारे बालों में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेसन की। दोस्तों बेसन जो होता है वो नेचुरल क्लिंजर होता है जो बालों की गंदगी जो होती है उसे निकालने में हमारी हेल्प करता है, साथ ही जो हमारी स्कैल्प उसको ताज़ा करता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। दूसरी जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल की है वो है दही। दही में एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो स्कैल्प की धूल को हटाकर बालों को मजबूत करता है, बालों को स्वस्थ करता है, बालों को घना बनाता है। साथ ही दोस्तों जो दही होता है उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, आयरन होता है और फास्फोरस होता है जो बालों को स्वस्थ बनाने में हमारी हेल्प करता है, बालों को काला भी करता है। और आपको बता दें दोस्तों जो दही है वो नेचुरल कंडीशनर भी है। अगर दही अपने बालों में अप्लाई करते हो तो बालों में प्राकृतिक चमक आती है। जी हाँ दोस्तों, आपके बालों की चमक बढ़ जाती है और आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ हमने इस्तेमाल की थी वो है नींबू। दोस्तों नींबू में विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल तत्व होते हैं जो बालों में जो रूसी होती है, स्कैल्प में जो रूसी होती है उसे निकालने में दूर करता है, बालों का रूखापन दूर करता है, बालों में नमी लाता है और बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं नींबू को यूज करने के बाद। साथ ही बालों को घना करने में नींबू बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, बालों को झड़ने से रोकने में हमारी हेल्प करता है। तो हमने इस्तेमाल किया था नींबू का, इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया था, 5 मिनट के लिए छोड़ा था। आधे घंटे के लिए हम लोग इसे बालों पर अप्लाई करेंगे और आधे घंटे बाद हम इसे ठंडे पानी से धुल लेंगे। बालों को हमेशा ठंडे पानी से ही आपको धुलना है, ये बात आप हमेशा याद रखें। वैसे भी गर्मी का सीजन है, कौन सा गर्म पानी से कोई नहाएगा, तो आपको ठंडे पानी से ही बाल धुलना है। आप चाहो तो हल्का शैम्पू कर सकते हो, शैम्पू हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हो सके तो शैम्पू ना करें, बट हल्की सी मुझे बालों में स्मेल आती है तो मैं शैम्पू कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब आके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने ये हेयर पैक लगा लिया है, आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ और आधे घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। दोस्तों मैंने ये होम रेमेडी अप्लाई कर ली, उसके बाद मैंने शैम्पू कर लिया और शैम्पू के बाद आप मेरे बाल देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट है और में प्राकृतिक चमक भी है। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपका जो भी अनुभव है मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। एंड हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, कोई भी सवाल इस होम रेमेडी को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। एंड हाँ दोस्तों पहली बार चैनल पर आया तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे क्लिक कर देना है और बगल में लगी घंटी बजा देना है, घंटी के साथ आता है ऑल कपड़ों से भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों फिलहाल मुझे इस वीडियो में आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।